नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है आत्मत्राण। यह कविता बंगाली भाषा में लिखी गई थी और इस कविता का हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से कह रहे हैं कि मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे दुखों से दूर रखें, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति दें। मैं कष्ट के समय में भयभीत नहीं हूँ, दुख के समय में मैं आपसे सांत्वना नहीं चाहता हूँ, बल्कि उन दुखों पर हमेशा विजय पाने का आत्मविश्वास चाहता हूँ। चाहे कहीं भी कोई कष्ट में सहायता करने वाला भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि उनका पुरुषार्थ ना डगमगाए। अगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई लाभ भी प्राप्त ना हो और धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा मन दुखी ना हो और कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे प्रतिदिन भय से छुटकारा दिलाए। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे केवल रोग रहित यानी स्वस्थ रखे, ताकि मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकूं। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और ढाढ़स बंधाइए। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे निर्भयता सिखाएं, ताकि मैं सभी मुसीबतों से डटकर सामना कर सकूं और सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। दुखों से भरी रात में जब सारा संसार मेरी मदद नहीं करेगा, तो फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो, ऐसी शक्ति आप मुझ में भरे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।